नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जाएंगे बलिया, फिर मथुरा के लिए करेंगे प्रस्थान। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी ने गोरखपुर में एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को जमीन तलाशने और रामगढ़ताल को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने सरयू घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। फोर लेन के एक और पुल निर्माण की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। पूर्व की सपा सरकार पर सीएम योगी ने साधा सीधा निशाना, कहा वो लोगों को बांटते थे, हम जोड़ते हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पार्टी संस्थापकों का सपना पूरा कर रहा है वर्तमान विजनरी नेतृत्व। भाजपा शासन में हुआ अंत्योदय से राष्ट्रोदय, जनजातीय समुदाय की बहन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इसका है प्रमाण। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव की संपत्ति सदर तहसीलदार एवं सीओ चौरीचौरा प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया गया सीज। एक चार पहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल, एक जेसीबी, एक अशोक लेलैंड ट्रक को सीज कर गुलेरिया थाने में कराया गया दाखिल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। यूपी के टॉप 61 माफिया की सूची में शामिल राजन तिवारी को कैंट पुलिस एसओजी व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। देर शाम कैंट पुलिस ने राजन तिवारी को गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस लाइन में की जा रही है भव्य तैयारी। एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा 19 अगस्त को पुलिस लाइन में आयोजित होगा भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पुलिस प्रशासन सहित भारी संख्या में नागरिक होंगे शामिल। और शिव महापुराण संगीतमय साप्ताहिक कथा का बुधवार से हुआ शुभारंभ। ऋषि सेवा समिति के अध्यक्ष राघव ऋषि जी ने प्रेस वार्ता कर नागरिकों से कथा में शामिल होने के लिए किया अपील। खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेलघाट के सरयू घाघरा नदी पर कमरिया घाट पुल के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बटन दबाकर कमरिया घाट पर बने पुल को जनता को समर्पित कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रानीडीहा में 3 दिन से चल रहे प्रदेश स्तरीय भाजपा के अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिए, जहां पर उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबोधित कर कार्यक्रम का समापन किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शुक्रवार की सुबह मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे, उसके बाद बलिया जाएंगे, फिर मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जल्द ही गोरखपुर में भी नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। गुरुवार की शाम गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेनिंग सेंटर के लिए 8 से 10 एकड़ जमीन तलाश करने का निर्देश दिया। जल्द ही इसके लिए जमीन फाइनल कर दी जाएगी। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री से मिलने एनसीसी के अधिकारी भी आए थे। मुख्यमंत्री ने यहां ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत बताई। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश को शहर के नजदीक जमीन तलाश करने का निर्देश दिया। एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर खुल जाने से काफी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी विकास कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
पिछली बैठक में उन्होंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को आयुष विश्वविद्यालय एवं अन्य परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। प्रमुख सचिव ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने विभिन्न सड़कों के निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रामगढ़ताल क्षेत्र में हो रहे कार्यक्रमों पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र का और सुंदरीकरण किया जाए। जीडीओ उपाध्यक्ष की ओर से वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ताल क्षेत्र को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाए। जीडीओ उपाध्यक्ष द्वारा महंत दिग्विजयनाथ पार्क के पास विकसित पार्किंग के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सपा सरकार पर विकास कार्य बाधित करने को लेकर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी लोगों को बांटते थे, इसलिए गोरखपुर के दक्षिणांचल में कमरिया घाट पर पुल का विरोध करते थे। हम सबको जोड़ते हैं, इसलिए इस घाट पर सेतु बनवा कर दे दिया। सीएम योगी ने यह भी घोषणा की कि इस पुल की सौगात देने के साथ सरकार फोर लेन का दूसरा पुल भी बनाने जा रही है। सीएम योगी गुरुवार दोपहर बाद सरयू घाघरा नदी के कमरिया घाट पर बने करीब 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस समय कमरिया घाट पर पुल की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा था, उस समय संसद चल रही थी। सरयू मैया की कृपा से तब एक बड़ी घटना होने से बच गई थी। आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन सपा सरकार ने तमाम अत्याचार किए। तब इस मुद्दे को उन्होंने देश की संसद में उठाया था, देश के सामने इस तथ्य को रखा था कि विकास से कोसों दूर गोरखपुर के दक्षिणांचल के लिए इस पुल का निर्माण अपरिहार्य है। सीएम ने कहा कि कमरिया घाट पर सेतु बन जाने से प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ आदि जनपदों की दूरी बहुत सीमित हो जाएगी। बेलघाट, सिकरीगंज और आसपास का यह क्षेत्र गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़कर अब विकास संघ कदमताल करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह दक्षिणांचल विकास से भले ही कोसों दूर रहा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह बेहद समृद्ध क्षेत्र है। क्षेत्र में पड़ने वाले राम जानकी मार्ग को पूर्व की सरकारों ने भुला दिया था। हमारी सरकार जनकपुर से अयोध्या तक को जोड़ रही है और इनके बीच यह दक्षिणांचल क्षेत्र भी बेहद महत्वपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार दक्षिणांचल के लोगों के विकास व उनकी आर्थिक समृद्धि को लेकर बेहद संवेदनशील है। इसी कारण धुरियापार में बायोफ्यूल प्लांट की स्थापना की जा रही है। यहाँ किसान पराली व गोबर से भी पैसे कमाएंगे, यानी आम के आम गुठलियों के दाम वाली स्थिति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की मंशा है कि हमारे किसान आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करें, स्वलंबी बने। इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होना होगा। सीएम ने कहा कि मेरा मानना है कि हमारे खेतों में 4 गुना उत्पादन की क्षमता है, लेकिन तकनीकी की जानकारी के अभाव में हम उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम प्राकृतिक खेती को तकनीकी के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे तो जहां 1 एकड़ में 10 कुंतल धान की उपज होती है, वहां 40 से 45 कुंतल धान उपजाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने से केमिकल फर्टिलाइजर व पेस्टिसाइड पर खर्च शून्य होगा, कम लागत पर अधिक उत्पादन होगा और कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती स्वावलंबन का आधार बनेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह मंशा जाहिर की कि वह कमरिया घाट के आसपास के क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सब्जी उत्पादन, दूध उत्पादन को कमरिया घाट सेतु के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों व दुनिया के देशों में पहुंचाया जाएगा। उत्पादों को बाजार मिलने से लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दक्षिणांचल के औद्योगिक विकास का खाका भी खींचा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाला औद्योगिक गलियारा विकास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। औद्योगिक विकास गीडा से होकर बेलघाट धुरियापार तक जाने वाला है। यहाँ के नौजवानों को यहीं पर नौकरी व रोजगार मुहैया होगा।
सीएम योगी ने कहा कि इस क्षेत्र के विकास को वृहद कार्य योजना तैयार कर ली गई है। युद्ध स्तर पर इसके लिए कार्य भी चल रहा है। मुख्यमंत्री ने लिंक एक्सप्रेसवे के लिए किसानों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि उन्होंने कोई विवाद नहीं किया बल्कि विकास के वास्ते अपनी जमीन दे दी। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट काल में जब पूरी दुनिया पस्त हो गई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती से खड़ा रहा। आज भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और उसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें उत्तर प्रदेश को समृद्ध प्रदेश बनाना है तो इसमें सबको सहभागी बनना होगा। भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करते हुए हमें स्वतंत्रता दिवस पर उनके द्वारा दिए गए पंच प्रण को जीवन में अपनाना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर सके तो अगले 25 वर्ष के अमृत काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत व निकाय को आत्मनिर्भर बनाना होगा। इसकी शुरुआत गांव से करनी होगी। सभी गांव व निकाय स्वावलंबन की ओर चलें। सार्वजनिक भूमि का बेहतर विकास करते हुए गांव के पैसे का सदुपयोग गांव में करें। पीएम योगी ने सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों व निकायों में कराए जा रहे विकास व कायाकल्प के कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि गांव-गांव अमृत सरोवर बन रहे हैं, ग्राम सचिवालय बन रहे हैं, गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है, गांव पर ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को देने की सुविधा दी जा रही है। सरकार हर गांव को स्मार्ट बनाने में जुटी है। यदि हमारे गांव स्मार्ट बन गए तो फिर जनपद, प्रदेश और देश को स्मार्ट बनने में देर नहीं लगेगी। दुनिया यहां नौकरी खोजने आएगी। सीएम योगी ने कहा कि नया गोरखपुर विकास की आभा से निखरा हुआ है। 1990 में यहां खाद कारखाना बंद हो गया था जिस पर 2016 तक किसी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। पीएम मोदी ने इसे फिर से चलाया। आज गोरखपुर में एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं हैं। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हर इलाज गोरखपुर में उपलब्ध है। गोरखपुर में चिड़ियाघर है तो मुंबई की चौपाटी व मरीन ड्राइव सा खूबसूरत रामगढ़ ताल भी, जहां की खूबसूरती निहारने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिस क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष हजारों मौतें होती थी वहां 5 साल में ही सरकार ने इसे नियंत्रित कर लिया है। इससे होने वाली मौतों में 95% तक की कमी आई है। बीच में कोरोना का प्रभाव नहीं होता तो शेष 5% पर भी नियंत्रण पा लिया गया होता। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा भाजपा कार्यकर्ता व बेलघाट के प्रमुख प्रतिनिधि सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय कौशिक छात्र जीवन से ही संघर्षशील छवि के थे। सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक का पिछले दिनों आकस्मिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमरिया घाट पर बने पुल का उद्घाटन करने से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन किया। तत्पश्चात फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद उन्होंने वाहन में सवार होकर इसका निरीक्षण भी किया। मंच पर आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने बटन दबाकर पुल निर्माण के शिलापट्ट का अनावरण किया। सीएम योगी ने मंच से पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, भवन सन्निर्माण कर्मकार योजना, महिला स्वयंसेवी समूह के कुछ लाभार्थियों व प्रगतिशील किसानों को प्रतीकात्मक चाबी, स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र आदि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। कमरिया घाट पर पुल को लेकर लंबा आंदोलन चला था। सपा शासन में वर्ष 2013 में जल सत्याग्रह और जल समाधि तक की स्थिति सुर्खियों में रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए आंदोलन करने वाले संघर्ष वीरों को जमकर शाबाशी दी। अपने संबोधन में उन्होंने कमरिया घाट पुल के लिए आंदोलन करने वाले भिखारी प्रजापति, सतवंत सिंह, शिवाजी चंद समेत सभी के नामों का उल्लेख करते हुए उनके संघर्ष को सम्मान दिया और पुल निर्माण के लिए उन्हें बधाई भी दी। कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तो प्रशासन भी उसी के अनुरूप कार्य करता है। सीएम ने कहा कि आंदोलन के वक्त आप लोगों पर कितना बार-बार अत्याचार हुआ था, आज सकारात्मक सोच की सरकार है तो प्रशासन आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर खड़ा है। लोकार्पण समारोह में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि कमरिया घाट पर इस पुल का निर्माण सीएम योगी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही हो पाया है। यह पुल क्षेत्र के
लिए बहुत बड़ी सौगात है और यह नई लाइफ लाइन साबित होगी। इसके जरिए लोगों का आवागमन तो सहज होगा ही, उद्योग व व्यवसाय को बढ़ावा मिलने से क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। श्री प्रसाद ने कहा कि सीएम योगी प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की आशाओं की पूर्ति कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में विकास की गंगा को गांव-गांव हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। समारोह में स्वागत संबोधन संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद व खजनी के विधायक श्री राम चौहान ने किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायकगण महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, राजेश त्रिपाठी, गणेश चौहान, ब्लॉक प्रमुख बेलघाट पूजा सिंह कौशिक, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि मौजूद रहे। घाघरा नदी के कमरिया घाट, सिकरीगंज बेलघाट, लोहरिया, शंकरपुर, बाघड़ पर पुल का निर्माण 193,97,20,000 रुपए की लागत से हुआ है। कमरिया घाट के एक तरफ गोरखपुर और दूसरी तरफ अंबेडकर नगर जनपद स्थित है। इस घाट पर पुल क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग रही है। कारण, पुल के अभाव में इन दोनों जिलों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर बढ़ जाती है। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने 1,412.45 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण जून 2022 में पूर्ण करा दिया है। इस पुल से करीब 500 गांव और 20 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। इस पुल के बन जाने से गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और संत कबीर नगर के बीच इंटर कनेक्टिविटी सहज हो गई है। साथ ही इन जिलों के साथ ही जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की यात्रा के लिए दूरी कम हो गई है। इससे लोगों के समय व ईंधन की बचत होगी। सबसे बड़ी सहूलियत आस्था की नगरी प्रयागराज जाने वाले लोगों को होगी। कमरिया घाट पुल से होकर जाने में गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी 280 किलोमीटर की बजाय अब सिर्फ 200 किलोमीटर होगी। गोरक्षपीठाधीश्वर आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन गुरु गोरक्षनाथ की इस पावन धरा के ग्रामीण अंचल के दक्षिण की इस जन समुदाय को उनके प्रगति एवं विकास से जोड़ने के लिए सदैव अपने आश्वस्त एवं वरदहस्त संरक्षा प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब भक्त तिवारी जी, विजेंद्र चतुर्वेदी जी, धर्मराज दुबे जी, उमेश जायसवाल जी, रामचंद्र साहिब जी, ये तहसीलदार साहब वहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये लोग अभी उधर से आएंगे। दूसरी सूची सत्याग्रहियों की है। एक बार ध्यान दे लें, सत्याग्रही जी जिसमें जो लोग मंच पे बैठे हैं वो मंच पे ही रहेंगे। सत्यवंत सिंह जी मंच पे हैं, भिखारी प्रतापी जी मंच पे, आप लोग मंच पे ही रहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद समर्पित करें। 193.97 करोड़ से निर्मित 1,412.45 मीटर लंबे सिकरीगंज बेलघाट लोहरिया शंकरपुर बाखाड़ मार्ग पर स्थित घाघरा नदी के कमरिया घाट पुल पर सेतु पर लोकार्पण कार्यक्रम की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहाँ की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते हैं तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है। 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा का शासनकाल समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का सफल यात्रा है। यह अंत्योदय से राष्ट्रोदय की यात्रा है। एक सामान्य जनजातीय परिवार की बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना इसी अंत्योदय से राष्ट्रोदय का प्रतीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश के हिस्से आई इस उपलब्धि से पूरा देश उत्साहित है, हर तबका अभिभूत है। यह सब संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उनका विजन आज समाज के हर तबके में नजर आता है। सीएम योगी गुरुवार शाम भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर के हम सभी साक्षी
बन रहे हैं। यह क्षण गौरवपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो सपना देखा था और जो संकल्प लिया था वह हमारे लिए मंत्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने की जो परिकल्पना की थी, आज वह परिकल्पना साकार रूप में देश दुनिया के सामने है। अनुसूचित जनजाति समाज से जुड़ी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने का अवसर मिलना पार्टी के महापुरुषों के सपनों को साकार करने जैसा है। यह भारतीय मूल्यों व भारतीय आदर्शों का बेहतरीन सम्मान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक अभियान एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें अंत्योदय के लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या कभी किसी ने सोचा था कि ऐसी भी सरकार आएगी जो करोड़ों गरीबों को घर देगी, शौचालय देगी, निःशुल्क बिजली व रसोई गैस कनेक्शन देगी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सब संभव हुआ है। देश में 10 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय बनाकर दिए गए। ये शौचालय नारी गरिमा के साथ विकास के भी प्रतीक हैं। इन शौचालयों के होने से 50 करोड़ लोग खुले में शौच से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो सके हैं। देश में 3 करोड़ गरीबों के आवास बनाए गए, 8 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन, 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 2.61 करोड़ गरीब परिवारों को शौचालय, 43 लाख को आवास, 1.70 करोड़ को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 15 करोड़ को मुफ्त डबल राशन आदि की सौगात दी गई। हर घर को शुद्ध जल के लिए नल से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर न केवल डॉक्टर मुखर्जी के सपने को पूरा किया है बल्कि आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील भी ठोक दिया है। धारा 370 समाप्त होने से जम्मू कश्मीर में SC ST लोगों को अब आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अनुसूचित जनजाति ST से जुड़े हर उस परिवार को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया है जिनके पास आवास की सुविधा नहीं थी। थारू, कोल, मुसहर, सहरिया, वनटांगिया आदि के लिए शासन की योजनाओं का लाभ 100% सुनिश्चित कराया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप के सहयोगी बनकर जनजातीय समुदाय ने सदैव राष्ट्र के हित में अपना योगदान दिया है। इन जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभ पहली बार BJP की सरकार में मिला। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 4-5 दशकों से वनवासी कल्याण छात्रावास का संचालन कर जनजाति के बच्चों को आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति, परिवार, क्षेत्र, जाति या मजहब की पार्टी नहीं है बल्कि यह देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। इसी वजह से यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समुदाय के बीच और पैठ बढ़ाने के लिए व्यवहारिक टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यकर्ता छोटे समूह बनाकर जनजातीय लोगों से संवाद करें, उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। यदि कोई जनजातीय व्यक्ति किसी योजना के लाभ से वंचित है तो व्यक्तिगत प्रयास कर उसे संबंधित योजना का लाभ दिलाएं। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी समूह और इको टूरिज्म से जोड़कर जनजातियों का आर्थिक उत्थान किया जा सकता है। जनजातियों का प्रकृति से भावनात्मक जुड़ाव होता है और उनको साथ लेकर इको टूरिज्म की संभावनाओं को काफ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें समूचे समाज को विकास व स्वावलंबन के पद पर लेकर आगे बढ़ना है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण,
प्रदेश प्रभारी लक्ष्मण आचार्य, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़, मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एडवर्ड सोरेन, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा, इतने सुंदर व्यवस्था की है, ये तो संगठन की कार्य पद्धति परिवार संवेदनशीलता एक दूसरे के प्रति संवेदन आ रहे। अस्पताल देखने में गया तो भाई कहने कि हम उसको अस्पताल में देखने गए तो उल्टा केला तो, और एक दूसरे से दुख सुख में शामिल होना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूँ, एक मंडल अध्यक्ष की पत्नी बीमार हो जाए और जिले के पदाधिकारी की मोटरसाइकिल लेकर उसके दरवाजे के बाहर खड़ी करते हैं और पूछ रहे कि भाभी कैसी हो, तो आधा बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी। ये तो संगठन, और संगठन क्या है, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना, एक दूसरे का सहयोग करना, यही तो संगठन है मित्रों। इसी में एक कार्यकर्ता काम करते हुए आगे बढ़ता है। वाक्य की कुशलता, बात कहां करना है, कैसा बात करना है, किस प्रकार का बात करना है। अब पता लगे कि नेता से नाराज हो गए तो पार्टी से नाराज हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो मेरी माँ है ना, उसका चुनाव चिन्ह कमल है। अब सोहन जी से नाराज होने के बाद कमल से नाराज तो नहीं होना, यानी कि कमल से नाराज होते हैं तो इस देश से नाराज होते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता से नाराज होते हैं, जिसके कारण आपकी पीढ़ी आने वाली वो सुख प्राप्त करेगी, वो दुख प्राप्त उसको दुख के रास्ते पर ढकेलना चाहते हैं। तब व्यक्ति से नाराज होना चाहिए लेकिन कमल से नाराज नहीं होना चाहिए। ये वाक्य आप पर मंचों से नाराजगी उपेक्षा के बाद भी मंचों से आप बोलते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में बोलते हैं, तो आप एक आदर्श के रूप में माने जाएंगे, एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में आपकी गिनती होगी। वहीं आप भविष्य में जाकर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, आप प्रदेश के महामंत्री हो सकते हैं, आप मंत्री हो सकते हैं। दूसरों की बुराई नहीं करना है, ना अपनी प्रशंसा करना है, ना दूसरों की बुराई करना है, ना अपनी आप प्रशंसा करना है। अपने आचरण व्यवहार से, अपने अपने संवाद से कार्यकर्ता का कैसे निर्माण हो, इसकी आपको चिंता करना है। पद नहीं, दायित्व का भाव होना चाहिए। पद का अर्थ केवल मात्र होर्डिंग लगाना, गाड़ी में पोस्टर लगाना, नेम प्लेट टांगना नहीं, आपका दायित्व है तो लगना चाहिए कि आप एक जैसा जैसा कद बढ़ता है वैसे वैसे नम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए। आचार्य मुझे जानते हैं, मैं बहुत जिद्दी टाइप कर रहा हूँ, महामंत्री के रूप में मंच से उतार देता था लोगों को, डांटता फटकाता था, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सीधे मंच पर जाता हूँ। मंच पर कौन बैठा है, कौन उठा है, मैं अब कुछ नहीं बोलता, जो व्यवस्था देख रहा है वह जाता। तो जैसे जैसे कद बढ़ता जाता है उसी तरह सरलता, नम्रता, विनम्रता आपके अंदर आने चाहिए। ये आपकी पार्टी है, ये देश आपका, ये दल आपका है, किसी का नहीं। लगता है कि हमारे पूछ रही नहीं, आप ही कद, और आप इस पार्टी के मुखिया है, ये मानकर चलना चाहिए और उसी प्रकार नेतृत्व करना चाहिए। और अच्छे समझे, अच्छे अच्छे समझे और ठीक ढंग से निर्वाण करें, ये मेरा निवेदन आपसे। पुराने कार्यकर्ताओं से संवाद होना चाहिए। बीजेपी के भी पुराने कार्यकर्ता है तो अपने को गार्जियन समझो, जाकर संवाद किया करो। पूर्व जिला अध्यक्ष आज कोई नहीं पूछता होगा उसको, बैठक नहीं बुलाता होगा, तो आपको भाई साहब हमारे अनुसूचित पूछा कि पदाधिकारी की बैठक है, कल आएंगे 15 मिनट हमारे बारे में, बीजेपी के बारे में बता देंगे तो अच्छा है, यानी कि तुम हमारी लोकप्रियता बढ़ना शुरू हो जाएगी। तब पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता घर पर चले गए मिलने, उनके साथ उठना बैठना हो रहा है, तो आपकी प्रशंसा होगी। तो आपकी प्रशंसा होने का मतलब पार्टी के प्रति कथनी करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये दिखना चाहिए समाज में कि आपके कथनी करने में सामंजस्य है, और जो बोलते हैं वह करते हैं मित्रों, अपनी कार्य शैली में बरकरार रखना चाहिए। सफलता का श्रेय सबको देना और कमियां हैं वो अपने ऊपर लेना। मातृभूमि गान से सदा पंक्तियां
लक्ष लक्ष रूप से राष्ट्र रूप से राष्ट्र हो विराटतन ऐक्य शक्ति देश की प्रगति में समर्थ हो मातृभूमि गान से गूंज तीर से सदा फूलते रहे सुमन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कार्यकर्ताओं के स्वाभाविक नेता, प्रदेश अध्यक्ष, जल ही जीवन है उस जल शक्ति के मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय मोंड जी, अभी जिन्होंने बहुत अच्छा संवाद आपके साथ किया, माननीय मंत्री जी ने पूरा समय दिया, समाज कल्याण मंत्री माननीय असीम अरुण जी, हमारे मेयर साहब माननीय सीताराम जायसवाल जी, हमारे इस काशी क्षेत्र के अध्यक्ष जो रात दिन यहाँ महानगर के टीम के साथ अपने क्षेत्र के टीम के साथ हम कार्यकर्ताओं को सहज स्नेह और पूरा सहयोग करके इस प्रशिक्षण वर्ग को जो स्नेह किया, ऐसे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय सोरेन साहब, हमारे प्रवीण शुक्ला जी, अतिथि सम्मान हमारे प्रशिक्षण में आए हुए कर्ता बहनों भाई मित्रों, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी, चाहे हम जितना आदर शब्द बने, लेकिन आपने प्रशिक्षण में 3 दिन में ही सीखा है कि मैं तालियां नहीं बजाती। अब ये सबसे कठिन तब हो जाता है जब माननीय मुख्यमंत्री ये बोलते हों और लोगों के आंख बंधे हों, और यही प्रशिक्षण होता है। मैं तो केरला और कर्नाटक में भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगता है और लाखों लोग उपस्थित रहते हैं, पत्रकार उनसे पूछते हैं कि आप लोग तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए हैं और ये तो अपना भाषण हिंदी में करते हैं, आप केरला कर्नाटक के दक्षिण प्रांत में उनकी भाषा समझ पाएंगे? जो उत्तर लोग देते हैं वो कहते हैं कि ये सच है कि हम पूरी तरह से हिंदी नहीं समझ पाते, लेकिन आज हम उस नेता को देखने के लिए कम से कम देख सकते हैं जिन्होंने भगवान राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, विश्वनाथ धाम बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्ति कर दिए और भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस स्थापित करके जो पूरे देश में पूरे दुनिया में श्रद्धा के केंद्र बने हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को अपने अपनी आंखों से तो देखा। सम्मानित कार्यकर्ता बहनों भाई, 2 मिनट में जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने निवेदन किया महाराज जी, यूँ तो बहुत सारे प्रशिक्षण वर्ग आपकी प्रेरणा से प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश से चल रहे हैं, हम गोरखपुर में यह प्रशिक्षण वर्ग लग रहा है, आपका आशीर्वाद मिल जाता है तो बड़ी कृपा होगी। मार्गदर्शन इस सत्र में होना है, समापन सत्र है, हम लोग आपके साथ करते हुए हम लोग से जनजाति मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी सैटवर्ड सोरेन जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा डॉक्टर संजय गौड़ जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री प्रदीप शुक्ला जी, नगर प्रमुख गोरखपुर श्री सीताराम जायसवाल जी,
पदाधिकारी का और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मूल्य सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा और उसके प्रशिक्षण के साथ आप सबको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस अवसर पर बाबा गोरखनाथ की धरती पर आप सभी कार्यकर्ताओं का आगमन हुआ है, इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए भी यह देश वर्तमान में जिस दौर से आगे बढ़ा है, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के हम सब साक्षी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, इससे अच्छा गौरव क्या हो सकता है और क्षण हमारे लिए क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो सपना देखा था, वो सपने के साथ एक संकल्प लिया था, वो हमारे लिए एक संकल्प नहीं था, एक मंत्र था। जब आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वह अंत्योदय से राष्ट्रोदय का उदय होगा और जब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई वहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में भारत की महामहिम राष्ट्रपति बनती है तो भारत के अंतिम पैगाम पर बैठे हुए व्यक्ति को आजादी के अमृत महोत्सव का जैसा उत्सव उत्साह उमंग उसके मन में पूरे देशवासियों के मन में था, वह दुनिया के लिए अवर्णनीय है, अकल्पनीय है और पूरी दुनिया ने इसका अभिनंदन किया है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अनुसूचित जनजाति से जुड़ी भी एक सामान्य परिवार से जुड़ी भी एक बहन को वहां पहुंचने का अवसर उपलब्ध होना, यह उन महापुरुषों के सपनों को साकार करने जैसा तो है ही। लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का बेहतरीन सम्मान है और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव का इससे अच्छा उत्साह और उमंग का अवसर दूसरा नहीं हो सकता। पूरा देश उत्साहित है, हर तबके ने इसका स्वागत किया और हर तबका इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर के अभिभूत है। हम सबको इस बारे में समझना होगा, इस कार्य को करने के लिए जिस प्रकार का विजनरी नेतृत्व देना चाहिए वह आज भारतीय जनता पार्टी के सामने और देश के पास प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है। उन्होंने देश का एक विजन दिया, वह विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। सबका विकास कराएंगे, सबके विश्वास को अर्जित करेंगे और सबके विश्वास के माध्यम से और सबके प्रयास के माध्यम से हम भारत को दुनिया की एक महाताकत भी बनाएंगे और उस महाताकत को बनाने के अभियान के क्रम में ही प्रवर्तमान अभियान भारत के अंदर चल रहे हैं। कोई सोचता था कि कोई सरकार ऐसे भी आएगी जो करोड़ों गरीबों के घर में शौचालय दे देगी? केवल एक शौचालय नहीं थे,
बीमारियों के पीछे खुले में शौच एक कारण था। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय उपलब्ध हो जाना, आजादी के लिए 70 वर्ष इसके लिए इंतजार करना पड़ा था, और 70 वर्ष के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को यानी 50 करोड़ लोग आजादी के 70 वर्ष तक ऐसे थे जिनके पास अपना शौचालय नहीं था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर घर शौचालय बन करके हर एक घर को खुले में शौच से मुक्त करने का किया, नारी गरिमा की रक्षा की गई, और साथ साथ उस व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी एक अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के माध्यम से किया गया। कोई सोचता था गरीब के पास कितने मकान होंगे? अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति या सामान्य जाति, जिस भी जाति में कोई गरीब है, पूरे देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये उसी अभियान का हिस्सा है। 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, 10 करोड़ गरीबों को देश के अंदर निःशुल्क आयुष्मान भारत के कार्ड उपलब्ध हो जाना, यानी ये सभी कार्यक्रम अंत्योदय के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सपना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। यही नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा दिया था, एक देश में 2 विधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के लिए धारा 370 बना करके वहां अलगाववाद और उग्रवाद को बढ़ाने के षड्यंत्र हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की इस अंतिम ताबूत पर भी कील ठोक करके उसे हरेक सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य किया ही। देश के अंदर अकेले जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसके यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के निवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता था। धारा 370 हटने के बाद अब इस सुविधा का लाभ जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्राप्त होता गया है। यानी ये सभी कार्यक्रम है जो इस बात को बताते हैं कि एक एक कार्यक्रम अपनी विरासत के संरक्षण का भी है, महापुरुषों के सम्मान का भी है, और उनके संकल्पों की पूर्ति के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का है। ये सभी एक कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, इसी से प्रेरणा लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए शौचालय बनाए गए, 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया गया, 1,45,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 1,70,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य एक कर्तव्य मान करके सरकार ने प्रदेश के अंदर किया, और आज हर घर नल की योजना, हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है कि हर व्यक्ति का इसमें अधिकार होना चाहिए, और उस अधिकार के तहत हर नागरिक को सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा देश का जिसने अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए उस हर परिवार को जिसके पास अपना आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो आच्छादित हो रहे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में,
जो प्रधानमंत्री आवास योजना में नई आच्छादित हो रहे थे उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना चला करके, चाहे वह थारू हो, चेरो हो, सहरिया हो, कोर हो, या फिर मुसहर हो, या पंटाबिया हो, इन सभी के लिए हमने बात स्पष्ट रूप से कहा कि इनमें 100% लोगों को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना चाहिए। उनके पास अपना राशन कार्ड होना चाहिए, जमीन का अपना पट्टा होना चाहिए, उनके पास अपना आयुष्मान भारत का कार्ड होना चाहिए, उनके पास आवास होना चाहिए, उनके पास विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, उनके पास जनधन का अकाउंट होना चाहिए, उनके पास उज्ज्वला योजना का राशन कार्ड होना चाहिए और उन्हें शासन की हर योजना से लाभान्वित करने के लिए, अगर कोई निराश्रित बुजुर्ग है, निराश्रित पेंशन योजना के साथ जोड़ो, अगर कोई निराश्रित महिला है, निराश्रित महिला पेंशन के साथ जोड़ो, अगर कोई निराश्रित दिव्यांगजन है उसको निराश्रित दिव्यांगजन पेंशन के साथ जोड़ने का कार्य करो। अगर वो नौजवान स्कूली छात्र है स्कॉलरशिप के साथ उसे जोड़ो, उसके लिए हर प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्कॉलरशिप में कैसे बढ़ोतरी की गई, नौकरियों में कितनी सुविधाएं देने के कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अभी आपके सामने यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री जैसी वरुण जी का विस्तार से आपको बताया। ये सभी कार्यक्रम हमारे लिए अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक संकल्प था और इसलिए था क्योंकि ये हमारा कर्तव्य था कि जिस जनजाति समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में आकर के कभी भगवान राम के सहयोगी बनकर के, कभी भगवान कृष्ण के सहयोगी बनकर के, कभी महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज का सहयोगी बनकर के भारत को भारत बनाने में अपना योगदान दिया, उस जनजातीय समुदाय को आज आजादी के बाद भारत की आजादी का वास्तविक लाभ मिलना जो बाकी पिछली सरकारों की कमी के कारण रह गया था, उसे कैसे दिया जा सकता है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इसलिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजातीय दिवस को भगवान बिरसा मुंडा दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जगह जगह जनजातीय समुदाय के बच्चों को ला करके आज से नहीं 40 साल 50 साल पहले से उन बच्चों को छात्रावास में रखना, वहां पढ़ाने की व्यवस्था करना और फिर समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास और प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इसी अभियान के क्रम में किया गया। यानी ये सभी कार्यक्रम उसी के हिस्से हैं और इसीलिए उस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए आज ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी ही की भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज के दिन का है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं, क्षेत्र की पार्टी नहीं, जाति मत और मजहब की पार्टी नहीं, यह भारत के 135 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है और राजनीतिक मंच पर उनका प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हें उचित सम्मान समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है और उसमें भी आप सबका सौभाग्य है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के माध्यम से इस पवित्र कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर आप सभी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से, कोई सोनभद्र से आया है, कोई मिर्जापुर से आया है, कोई बदनाम कृष्णावस्ती से आया है, कोई बहराइच और लखीमपुर से आया है, कोई पश्चिम से आया है, तो कोई पूरब से आया है, प्रदेश के अलग अलग कोनों से आकर के एकजुट होकर के हम लोग यहाँ पर इस समाज के उत्थान के लिए और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए कैसे हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि हमारे जितने भी मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उन्हें समय समय पर
इस कार्यक्रम को ही हमें मिलकर के एक पार्टी संगठन के साथ जोड़ना, केंद्र और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के द्वारा कहां पर क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं लोक कल्याण के क्षेत्र में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लिए, उन सभी योजनाओं की जानकारी लेना और फिर उन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अपने समाज की उन टीम को उसके साथ जोड़ना कि इस समाज के लिए ये स्कीम है शासन की, इसके साथ हम जुड़ेंगे तो ये कार्यक्रम हो सकते हैं। जनजातीय समुदाय में तमाम प्रकार की महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ करके हम लोग अपने आर्थिक स्वावलंबन को विकसित कर सकते हैं। ढेर सारे पर्यटन की संभावना को इको टूरिज्म में तो आपका भरत हस्त होना चाहिए, क्योंकि जनजातीय समुदाय का प्रकृति के साथ जो संवाद है वह एक भावनात्मक संवाद है और उस भावनात्मक संवाद के माध्यम से बेहतरीन गाइड के रूप में आप वहां पे ढेर सारे नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं। ये तमाम कार्यक्रमों की जब हमें जानकारी होगी तो उन कार्यक्रमों को तब हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को उसके साथ जोड़ पाएंगे। तो केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ जोड़ना, उस योजनाओं के माध्यम से हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम करना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता होगी। अनुसूचित जाति मोर्चा अपने मूल्य और आदर्शों को बनाए रखते हुए जो अभी भी खंडित हो रहे हैं, तोड़ने के हो रहे हैं, एक तबका ही ऐसा है जो आजादी के पहले से ही भारत के बारे में बहुत अच्छी धारणा नहीं रखता, उन लोगों के बारे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गुमराह करें वे तमाम प्रकार से समाज और राष्ट्र की मुख्यधारा से भटकाने का काम करेंगे, लेकिन वे आपके सच्चे देशी नहीं हो सकते, उनसे सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता, और उनसे सतर्क और सावधान रहते हुए हमें विकास और स्वावलंबन के पथ पर अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे लेकर के चलना है। आज के इस अवसर पर जब 3 दिवसीय प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम का समापन हो रहा है, इसके साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा कि विगत 3 दिनों से आप लोग गोरखपुर में रहकर के प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़े हुए प्रत्येक तबके के हितों के लिए हमें क्या कुछ करना है इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे बताया गया कि लगभग 200 कार्यकर्ता प्रदेश भर से प्रशिक्षण शिविर में आए, 75 जनपद है। अगर दो तीन कार्यकर्ता एक एक जिले को अपना केंद्र बिंदु बनाकर के कार्य करना प्रारंभ करेगा तो मुझे लगता है हर एक परिवार तक, अनुसूचित जनजाति के हर एक परिवार तक हम पहुंच करके उसे शासन की योजना के साथ जोड़ सकते हैं और शासन की योजनाओं के बारे में समय समय पर अगर अनुसूचित जनजाति मोर्चा अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को भी देगी तो सरकार भी उस पर आगे कार्रवाई बढ़ाने में सरकार को मदद मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हृदय से बधाई देता हूँ। कल से कृष्ण जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर आपका एक कार्यक्रम का समारोह और कल की जन्माष्टमी की तैयारी के कार्यक्रम प्रारंभ हो रहे हैं। मैं इसलिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आप सबके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं को हम लोग हमेशा तराशने का, सुधारने का और बढ़िया बनाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें कि प्रशिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये प्रशिक्षण की श्रृंखला है जो लगातार चलती रहती है। इसको नगर पालिका चुनाव से या किसी चुनाव से देखेंगे तो शायद हम बहुत छोटा रूप दे रहे होंगे। और प्रशिक्षण में संगठन के बारे में,
संगठन के महापुरुषों के बारे में, कार्य पद्धति के बारे में, संविधान के बारे में, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा की गई, ताकि मूल सिद्धांत जिन पे पार्टी काम करती है, जिन पे पार्टी अपने आप को आधारित करती है, उसके संबंध में प्रत्येक कार्यकर्ता को जागरूक किया जा सके, प्रशिक्षित किया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार के प्रशिक्षण अब जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पे भी होंगे और ये श्रृंखला बनी रहेगी। विशेष बातें अभी तक जो प्रशिक्षण में हुई हैं उसमें संगठन के संबंध में बातचीत हुई, एक अच्छा कार्यकर्ता या अच्छा नेता कैसे बने इसके बारे में बातचीत हुई, मैंने भारतीय संविधान और उसमें सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत की, तो कई रोचक विषय आए हैं अभी तक। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय योगी जी संबोधित करेंगे, तो उनका विषय भी हम लोग सुनेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघाट गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जाएंगे बलिया, फिर मथुरा के लिए करेंगे प्रस्थान। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी ने गोरखपुर में एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को जमीन तलाशने और रामगढ़ताल को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने सरयू घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। फोर लेन के एक और पुल निर्माण की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। पूर्व की सपा सरकार पर सीएम योगी ने साधा सीधा निशाना, कहा वो लोगों को बांटते थे, हम जोड़ते हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पार्टी संस्थापकों का सपना पूरा कर रहा है वर्तमान विजनरी नेतृत्व। भाजपा शासन में हुआ अंत्योदय से राष्ट्रोदय, जनजातीय समुदाय की बहन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इसका है प्रमाण। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव की संपत्ति सदर तहसीलदार एवं सीओ चौरीचौरा प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया गया सीज। एक चारपहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल, एक जेसीबी, एक अशोक लेलैंड ट्रक को सीज कर गुलेरिया थाने में कराया गया दाखिल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। यूपी के टॉप 61 माफिया की सूची में शामिल राजन तिवारी को कैंट पुलिस एसओजी व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। देर शाम कैंट पुलिस ने राजन तिवारी को गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस लाइन में की जा रही है भव्य तैयारी। एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा 19 अगस्त को पुलिस लाइन में आयोजित होगा भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पुलिस प्रशासन सहित भारी संख्या में नागरिक होंगे शामिल। और शिव महापुराण संगीतमय साप्ताहिक कथा का बुधवार से हुआ शुभारंभ। ऋषि सेवा समिति के अध्यक्ष राघव ऋषि जी ने प्रेस वार्ता कर नागरिकों से कथा में शामिल होने के लिए किया अपील। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044666300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुलहरिया थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव की संपत्ति कुर्क की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि जिलाधिकारी के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव पुत्र पारस यादव निवासी झुगिया बाजार थाना गुलहरिया गोरखपुर की संपत्ति जब्त करने हेतु गुलहरिया पुलिस को निर्देशित किया गया था। राकेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी झुगिया थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर व अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र ब्रजनाथ यादव तथा अशोक यादव पुत्र भरत यादव की संपत्ति को 22 जून 2022 को कुर्क कर दी गई थी तथा कुर्कशुदा संपत्ति को तहसीलदार सदर को कब्जे में लेने के लिए आदेश पारित किया गया था, जिसके आदेश के बाद तहसीलदार सदर द्वारा अभियुक्तों के मकान व मकान के अंदर के सामान तथा एक वाहन ऑटो रिक्शा को दिनांक 26 जून 2021 को कब्जे में लेकर जब्त किया गया था, जबकि शेष 10 वाहनों के जब्तीकरण की कार्यवाही किया जाना शेष रह गया था, जिसका आदेश जारी हुए एक साल हो गया। 18 अगस्त सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा प्रशाली गंगवार व निरीक्षक गुलहरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे सहित पुलिस बल की उपस्थिति में गैंग लीडर राकेश यादव के गैंग के सक्रिय सदस्य अशोक यादव की 5 अवैध वाहन को तहसीलदार सदर के द्वारा जब्त कर थाना गुलहरिया में दाखिल किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए से अधिक की है। उन्होंने बताया कि राकेश यादव के विरुद्ध कई दर्जन मुकदमा पंजीकृत है, जो कि शातिर किस्म का हिस्ट्री सीटर व टॉप 10 का अपराधी है, जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद एक फॉर्च्यूनर, 2 मोटरसाइकिल, 1 जेसीबी, 1 अशोक लेलैंड ट्रक को सीज किया गया है। संपत्ति जब्त करने वाली टीम में सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह, सीओ चौरी चौरा प्रशाली गंगवार, गुलहरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 18/8/2022 को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत माफिया राकेश यादव व उसके गैंग के विरुद्ध 14-1 की कार्रवाई करते हुए थाना गुलहरिया द्वारा क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा तथा तहसीलदार सदर की उपस्थिति में 5 गाड़ियों का जब्तीकरण किया गया है, जिसमें से 1 जेसीबी लोडर, 1 अशोक लेलैंड ट्रक, 2 मोटरसाइकिल व 1 फॉर्चूनर गाड़ी शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 65 लाख की है। अपराधी अत्यंत सक्रिय है तथा इसके विरुद्ध लगभग 40 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य जब्तीकरण की कार्रवाई भी प्रचलित है और शीघ्र ही अन्य संपत्तियों की तलाश कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यूपी के टॉप 61 माफिया की सूची में शामिल व माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का साथी रहे पूर्व विधायक राजन तिवारी को कैंट पुलिस व एसओजी व बिहार पुलिस की टीम ने बिहार के रक्सौल से गिरफ्तार किया।
कैंट पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच राजन तिवारी को देर शाम गोरखपुर कोर्ट के कमरा नंबर 3 में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि राजन तिवारी बिहार से नेपाल भागने की फिराक में था। राजन तिवारी मोतिहारी के गोविंदगंज से विधायक भी रह चुका है। उसके खिलाफ बिहार और यूपी में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अकेले गोरखपुर में उस पर 36 से ज्यादा मुकदमे हैं। कैंट थाने में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित था और करीब 60 से ज्यादा NBW जारी हो चुका था। उस पर गोरखपुर पुलिस की तरफ से 20,000 का इनाम भी था। पुलिस की 3 टीमें CO कैंट श्यामदेव बिंद की अगुवाई में लगातार 1 महीने से दबिश दे रही थी। मोतिहारी पुलिस को सूचना मिली कि राजन तिवारी नेपाल भागने की फिराक में है और वह मोतिहारी में छिपा हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में राजन तिवारी को रक्सौल थाना क्षेत्र से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे शुक्रवार को गोरखपुर के न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा राजन तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पीछे जो है राजन तिवारी आ रहे हैं और उनके ऊपर 60 से ऊपर कैंट थाना गोरखपुर के एक वांछित बदमाश जो गैंगस्टर के मामले में राजेंद्र तिवारी जो वांछित थे, उसको आज कैंट पुलिस एवं हमारी SOG की टीम द्वारा आज इसको रक्सौल से गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रोड्यूस किया है। वहाँ पे माननीय अदालत ने उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अभी तक टोटल 28 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन हम गोरखपुर पुलिस ने इसको गैंगस्टर के 1997 के मामला जो है उसके अंदर गिरफ्तार किया है एवं इसको कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस लाइन में भव्य तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए जगह जगह झांकियां सजाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, जिसके लिए शासन ने निर्देश जारी किया है। पुलिस लाइन में सबसे बड़ी झांकी सजाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन गली गली में झांकियां सजाई जाती हैं, जिसके लिए लोग पहले से ही तैयारियों में जुट गए हैं। सबसे आकर्षक झांकी पुलिस लाइन में सजाई जाती है। गुरुवार को पुलिस लाइन में साफ सफाई का काम शुरू हो गया है, जिसके संबंध में SP लाइन राहुल भाटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन व मीडिया कर्मियों को निमंत्रण भेजा गया है। पुलिस लाइन को पूरा सजाया जाएगा और दुकानें भी लगेंगी। लोग दुकानों पर से सामान की खरीदारी कर सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP लाइन राहुल भाटी ने कहा, तो वही है, एग्जाम की लगा है 12 घंटा 12 घंटा
जन्माष्टमी का प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी पुलिस का जो कार्यक्रम होता है हमेशा भव्यता के साथ मनाया जाता है, तो इस साल भी हमने 19 तारीख को यानी कि कल पुलिस लाइन परिसर में आदेश कक्ष के पास एक भव्यता से हम जन्माष्टमी का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन जुडिशियरी एवं मीडिया सारे मीडिया बंधुओं को हमने आमंत्रित किया है और मेरी तरफ से सारे गोरखपुर वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा पुलिस लाइन में और रात के 12 बजे तक ये चलेगा। सर इसमें कोई विशेष आयोजन प्रतिवर्ष की तरह मतलब जैसे पिछले साल कोविड था तो इस वर्ष वो कोविड वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा भव्यता से इसको मनाया जाएगा। ऋषि सेवा समिति के अध्यक्ष राघव ऋषि जी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिव महापुराण पर बुधवार से तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में कथा शुरू किया गया है, जिसका गुरुवार को दूसरा दिन है। राघव ऋषि ने कहा कि जीवन उपयोगी बनाने की आवश्यकता है, योगी बनना योगी का आवरण धारण करना इतना कठिन नहीं है जितना कि आचरण, ठीक उसी प्रकार योगी बनना कठिन नहीं है बल्कि उपयोगी बनना कठिन है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का स्वरूप हर जीव के लिए कल्याणदायक है। उन्होंने सभी नागरिकों से शिव पुराण कथा में शामिल होने के लिए अपील किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूज्य राघव ऋषि जी ने कहा गोरखपुर शाखा के द्वारा और आप लोगों की हर वर्ष सेवा मिलती है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही संतोष का विषय है। यूं मैं हर स्थानों पे पहले आप लोगों से मिलता हूं, इसलिए मैं मिल नहीं पाया इसलिए आप लोगों को मैंने याद किया कि आज 12 बजे तो यहाँ के पत्रकार गणमान्य हैं, उनको एक बार उसके मिल लूँ। आप लोग कितनी सेवा करते हैं कथा में, तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों से एक बार साक्षात करना। कथा का उद्देश्य मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण कल्याण और विकास करना, क्योंकि मनुष्य का विकास बिना अनुशासन के, बिना नियम के, बिना सिद्धांतों के नहीं हो पाता है, जो मात्र धर्म से आधारित है, धर्म पर आधारित है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे मानवता मानव धर्म को विकसित करने के लिए कोई बहुत समीचीन ठोस व्यवस्था नहीं। अगर हमारे आचार्यों ने इस व्यवस्था का दायित्व लिया तो इतिहास हमारे गवाह है कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सारा परिपालन हुआ और परिपालन होकर के आज अनेक जो अभी 15 अगस्त को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था? हमारे सपूतों ने, वीर सपूतों ने इस देश के लिए बलिदान किया, उनके पीछे राष्ट्र धर्म था। राष्ट्र धर्म उत्पन्न होता है धर्म से। धर्म का ये मतलब नहीं कि माला पहनना, माला जपना, तिलक लगाना, यह नहीं। जीवन में जिसके राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र प्रेम है, राम प्रेम है, वो सब एक विकास का कल्याण प्रशस्त करता है। हमारी स्वतंत्रता के पहले हमारी इकोनॉमी कितने पीछे थी, आज हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज से आगे अब प्रभु कृपा से हाई मास कंजम्पशन स्टेज की ओर जा रही है, जो भारत के ही नहीं विश्व के 5 विकसित देशों की इकोनॉमी जो हमारी रन कर रही है, US, UK, फ्रांस, जापान और चाइना।
आज हमारी इकोनॉमी इतनी सुंदर विकास की ओर जा रही है, पूरा राष्ट्रीय विकास हो रहा है। कोरोना काल में कितने लोग परेशान थे, लेकिन हमारे भारत में इतनी दिक्कत नहीं आई। अब ये एक बहुत बड़ी मंदी की स्थिति आने वाली है, जैसा लोगों ने आकलन किया है। और यह जो मंदी की स्थिति है वो भारत में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावी नहीं होगी, क्योंकि भारत जी ये सारी व्यवस्थाएं बनी हुई। हाँ, आज के संदर्भ में, आज की जो युग है उसमें धार्मिक शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। आज जो हमको शिक्षा दी जा रही है वो केवल एम्प्लॉयमेंट के तहत, रोजगार परक, जीवन परक नहीं। जीवन परक अगर मूल्य हमारे नहीं रहेंगे तो रोजगार परक शिक्षा ही हमारे जीवन के विकास को नहीं कर सकती। तो हमारे जीवन का सर्वांगीण कल्याण हो, विकास हो, इसलिए नौजवानों को, छोटे छोटे बच्चों को हमको अपने राष्ट्रीय गौरव को, राष्ट्रीय संस्कृति को धर्म के माध्यम से जोड़ करके आगे बढ़ाने का विकास हमको देना पड़ेगा। इसलिए आज की शिक्षा में, आज के नौजवानों के परिवेश में, आज के बच्चों के परिवेश में धर्म की शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे प्रसन्नता हो रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा अवचेतना आ रही है। थोड़ा सा उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा, विगत लगभग 5 वर्ष पहले से मैं कहता आ रहा हूँ शनि की मकर और कुंभ संधि ठीक नहीं होगी। मकर संधि जो 23 जनवरी 2020 से प्रारंभ हुई है, इसकी घोषणा मैंने पहले कर दी थी। आपने देखा कि 23 जनवरी 2020 के बाद कोरोना की स्थिति हुई दूषित, और उसके बाद पूरे विश्व में कितनी बड़ी दिक्कत आई। अभी 18 जनवरी 2023 से शनि की जो कुंभ संधि आएगी, जिनके में शनिजन्य दूषण है उनके लिए दूषित होगा, आप देख लेंगे। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? ये सब धर्मशास्त्र के नियमों के द्वारा पता चलता है। हमारे साथ कोई ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा तीव्रता से आगे बढ़ें, क्योंकि उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। एकमात्र हमारे पास में जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, हमारे धर्म के सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन का विकास तेजी से करते हैं, जिसके पीछे आज पूरा विश्व, आप पीछे जाने की जरूरत नहीं, पिछले के 10-12-15 वर्षों का इतिहास, 15-20 वर्षों का इतिहास लीजिए, आज के 5-7 वर्षों का इतिहास लीजिए, भारत का मान, भारत का सम्मान, भारत का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। एक समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, जिस समय अमरीका किस तरह का स्वागत हुआ था, ये हमसे छिपा नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, किस तरह का स्वागत होता है, यह भी हमसे छिपा नहीं है। ये क्यों है? ये धर्म के कारण ही हो रहा है। मुख्य उद्देश्य आज जो आप लोगों को मैंने यहाँ हमारे ऋषि सभा समिति ने बुलाया है आप लोगों से मिलने के लिए, 17 से 9 दिवस तक की यहाँ पर श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित है, जो कल से प्रारंभ हुई है और लगातार ये आज से आठवें दिन तक चलती रहेगी। उसमें ज्योतिष के सारे कार्य सभी जन सामान्य के लिए होंगे, निःशुल्क होते हैं। साधना से संबंधित सारे कार्य होंगे, जिसमें आबाल वृद्ध नारी उसमें भाग लेते हैं, उसमें अपनी सेवा करते हैं। इन सब के उद्देश्य के कारण आप लोगों को बुलाया कि ये जो धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसमें हम तो कुछ लोगों को कह सकते हैं, आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में बहुत लोगों तक अपनी हमारी बात को पहुँचा सकते हैं। धार्मिक संस्कृति देखा जाए विलुप्त होती जा रही है, लिए क्या ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन अब धर्म के प्रति लोगों में और ख़ासकर नौजवान बहुत ज़्यादा अभी सब बढ़ रही है। आज हमारे नासा के साइंटिस्ट भी भारतीय संस्कृति के माध्यम से भारतीय ज्योतिष को लेकर के आगे बढ़ करके अपने अपने प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोगों में सफल हो रहे हैं। चंद्रयान की विफलता क्यों हुई थी? क्योंकि गलत मुहूर्त में छोड़ा गया था, लेकिन आज हुआ, व्यवस्थित हुई। तो इस नाते आज नासा ने भी इस चीज़ों को स्वीकार किया है। नौजवानों बहुत ज़्यादा क्रेज हो रहा है, बहुत तेज़ गति हो रही है, और ख़ास कर अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से ज्योतिष की तुलना करके इतने अच्छे ढंग से विकास हो रहा है अंतरिक्ष विज्ञान का, उसके पीछे हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादा है और उसमें तेज़ी से लोगों की रुचि बढ़ रही है। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, शुक्रवार को जाएंगे बलिया, फिर मथुरा के लिए करेंगे प्रस्थान। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। सीएम योगी ने गोरखपुर में एनसीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अधिकारियों को जमीन तलाशने और रामगढ़ताल को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित करने के दिए निर्देश। सीएम योगी ने सरयू घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का किया लोकार्पण। फोर लेन के एक और पुल निर्माण की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। पूर्व की सपा सरकार पर सीएम योगी ने साधा सीधा निशाना, कहा वो लोगों को बांटते थे, हम जोड़ते हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए सीएम योगी, कहा पार्टी संस्थापकों का सपना पूरा कर रहा है वर्तमान विजनरी नेतृत्व। भाजपा शासन में हुआ अंत्योदय से राष्ट्रोदय, जनजातीय समुदाय की बहन द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इसका है प्रमाण। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त राकेश यादव की संपत्ति सदर तहसीलदार एवं सीओ चौरीचौरा प्रशाली गंगवार के नेतृत्व में किया गया सीज। एक चार पहिया वाहन, दो मोटरसाइकिल, एक जेसीबी, एक अशोक लेलैंड ट्रक को सीज कर गुलेरिया थाने में कराया गया दाखिल। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। यूपी के टॉप 61 माफिया की सूची में शामिल राजन तिवारी को कैंट पुलिस एसओजी व बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने रक्सौल से किया गिरफ्तार। देर शाम कैंट पुलिस ने राजन तिवारी को गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस लाइन में की जा रही है भव्य तैयारी। एसपी लाइन राहुल भाची ने कहा 19 अगस्त को पुलिस लाइन में आयोजित होगा भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी, पुलिस प्रशासन सहित भारी संख्या में नागरिक होंगे शामिल। और शिव महापुराण संगीतमय साप्ताहिक कथा का बुधवार से हुआ शुभारंभ। ऋषि सेवा समिति के अध्यक्ष राघव ऋषि जी ने प्रेस वार्ता कर नागरिकों से कथा में शामिल होने के लिए किया अपील। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।